फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर 8 जो कि है डायुरेटिक्स की, डायुरेटिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो ड्रग्स होती है, एजेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए और व्हाट्सएप पे टाइप कर हमें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी अकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपकी जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं सिलेबस पे जो हमारा पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो चैप्टर 8 में बेसिकली हम डायुरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जो उससे रिलेटेड ड्रग्स होती हैं, जो डायुरेटिक्स ड्रग्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एसिटाजोलामाइड है, फ्रोसीमाइड है, बुमेटानाइड है, क्लोथेलिडोन, बेंजोथियाजाइड और मेटोलाजोन, सिपामाइड और इसी तरीके से स्पायरोलैक्टोन। तो इन्हीं के लिए हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के पूरी स्टोरेज क्या होती है या प्रॉपर्टीज, यूजेस किन किन ड्रग्स के क्या होते हैं, तो वो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायुरेटिक्स की। डायुरेटिक्स होते क्या है? डायुरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली हमारे किडनी से यूरिन को एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं, यूरिन को एक्सेलरेट करते हैं। जब कोई एक पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल ह्यूमन इंसान ठीक से यूरिन नहीं पास आउट कर पाता है या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो अपने आप से नहीं जाकर यूरिन को कर सकता है, तो उसकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीशन कराने के लिए हम उसको डायुरेटिक्स देते हैं और किडनी पे जाती है ये ड्रग्स, सीधा सीधा यूरिन को एक्सक्रीट करती है और बॉडी से बाहर निकालती है। ये जो सिक्रीशन होता है यूरिन का, जो एक्सेलरेट होता है किडनी से, ये दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, या तो जो हमारा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है सोडियम आयंस का, कहां पे, किडनी के अंदर, तो उसको डिक्रीज कर दें। या फिर दूसरा मेथड हो सकता है कि हम एक ऑस्मोटिक इक्विवेलेंट कर सकते हैं वाटर का, कहां से, जो हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां से, कि जिसके थ्रू एक लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाए। साथ ही साथ हम बात करेंगे, जो ये ड्रग्स होते हैं ज्यादातर हम इनको यूज करते हैं एडिमा कंडीशन में, जब किसी इंसान को एडिमा हो जाता है, या फिर हम यूज करते हैं रीनल डिसऑर्डर्स में यानी कि किडनी फेलियर के टाइम पे, साथ ही साथ लीवर डिसऑर्डर्स में जब लीवर से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं या कार्डियक फेलियर जब हार्ट से संबंधित कोई हमें समस्याएं होती हैं। अब बात आती है कि एडिमा क्या होता है। एडिमा बेसिकली जब हमारी बॉडी कैविटीज में या जो हमारे डिफरेंट बॉडी टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, वहां पर जब वॉटरी फ्लूइड जमा होने लगता है, स्टोर होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, किसके, डायुरेटिक्स की। तो डायुरेटिक्स के क्लासिफिकेशन तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीक डायुरेटिक्स, जो कि इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आता है ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, फॉर एग्जांपल है मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल। इसी तरीके से ज़ैंथिन का एग्जाम्पल है थियोफिलिन। नेक्स्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है वो है एंटी हार्मोन डायुरेटिक्स, जिसमें एग्जांपल आता है एल्डोस्टेरोन और एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स, जिसमें हमारा ट्राइएम्ट्रिन या एमाइलोराइड ड्रग्स इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं मीडियम एफिशिएंसी डायुरेटिक्स, तो इसके अंदर भी आगे सब क्लासिफिकेशन है, जैसे बेंजोथायडाजिन, जिसके अंदर क्लोर थायाजाइड या बेंजोथायाजाइड आ जाता है। इसी तरीके से थायाजाइड आते हैं, जैसे मेटोलाजोन हो गया या क्लोरथेलिडोन हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाता है डायबिटिक्स का, वो है हाई एफिशिएंसी डायबिटिक्स। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मेरिक्यूरियल डायबिटिक्स, जिसमें हमारी ड्रग्स आती है मैसिल या मेराबाफिन। तो ये कैटेगरी ड्रग की आती है किसमें, मर्क्यूरियल डायबिटिक्स में। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हाई सीलिंग डायबिटिक, जिसमें हमारा फ्लोसिमाइड और बुमेटामाइड या बुमेटानाइड आ जाता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन डायबिटिक्स का। अब बात करते हैं हम ड्रग्स की, जो बेसिकली ड्रग्स हमें पढ़नी है, उनकी प्रॉपर्टीज, यूजेस और उनकी फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटाजोलामाइड की। तो एसिटाजोलामाइड की अगर हम स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें, तो इसे हम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ हमें इसके लिए ओरिजिनल पैक रखने होते हैं, जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर से और लाइट से। इसी तरीके से यूजेस की अगर हम बात करें, तो एसिटाजोलामाइड जो है बेसिकली सबसे ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है किसमें,
जब हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम पर, साथ ही साथ ये एक्सक्रीट कर देता है अनचेंज्ड यूरिन को, तो जिससे कि इजिली पास आउट हो जाता है यूरिन। साथ ही साथ इसको हम एपिलेप्सी के टाइम पे भी यूज करते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में भी यूज करते हैं, और पेरियोडिक पैरालिसिस में भी इस ड्रग को हम यूज करते हैं। ब्रांड नेम्स की बात अगर हम करें तो एसिटामाइड टैबलेट नाम से आता है, एक्टामिड टैब के नाम से आता है, ऐसे ही एसिटारिक्स टैब के नाम से आता है, एवा टैब के नाम से आता है, एवा कैप्सूल्स भी इवन आते हैं, डायमॉक्स टैब, इसी तरीके से और भी ब्रांड नेम्स है इसके, जैसे ज़ोटामाइड टैब। तो ये हमारे एसिटाज़ोलामाइड के ब्रांड नेम्स है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स और कैप्सूल्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिरोसिमाइड की। तो फिरोसिमाइड जो है बेसिकली ये डेरिवेटिव है किसका, सल्फोनामाइड का और एंथ्रानिलिक एसिड का, दोनों का ही ये डेरिवेटिव है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, इस तरीके का फिरोसिमाइड का स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट कलर का इसका क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि टेस्टलेस भी होता है और कलरलेस, ना तो इसमें कोई रंग होता है ना ही कोई स्वाद होता है। साथ ही साथ ये पानी के अंदर और क्लोरोफॉर्म के अंदर ये इनसॉल्युबल है, यानी कि इनमें डिसॉल्व नहीं होता। और अगर हम बात करें अल्कोहल और ईथर की, तो यहाँ पे स्पारेंजली सॉल्युबल, कुछ बात इसका डिसॉल्व हो जाता है, फ्रीली सॉल्युबल है ये डाइमिथाइल फॉर्माइड के अंदर, और साथ साथ जो एल्कली सॉल्यूशंस होते हैं वहां पे भी ये आसानी से घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 210 डिग्री सेल्सियस है किसका, फिरोसिमाइड का। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसको हम यूज करते हैं पल्मोनरी एडेमा में, साथ ही साथ इसे रीनल फेलियर में भी यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन जब कंडीशन किसी को हो जाती है तब भी हम फिरोसिमाइड को यूज करते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फिरोसिमाइड के टैबलेट्स भी आते हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड नेम्स की, तो फिरोसिमाइड LB502 502 के नाम से भी आती है, एसेमाइड नाम से आती है, एलुजीन नाम से आती है, ऐसे ही बेरोनार्ट नाम से ड्रग आती है, कॉल्टेक्स, लेक्सिक्स आर फिक्स्ड जिसे हम कह देते हैं, ऐसे ही एसके फिरोसिमाइड आर, इस तरीके की ये ब्रांड नेम्स अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट ड्रग आती है अब बुमेटानाइड। बुमेटानाइड जो है बेसिकली ये एक अनदर डायुरेटिक है जो कि स्ट्रक्चरली रिलेट करता है फिरोसिमाइड को, और 50 टाइम्स मोर पोटेंट है फिरोसिमाइड से, यानी कि फिरोसिमाइड के कंपैरिजन में उससे 50 गुना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग ड्रग है, अच्छे से काम करता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए और हमेशा लाइट से बचाकर रखना चाहिए, वरना ये ड्रग खराब हो जाती है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसकी टैबलेट्स आती है, ब्रांड नेम्स की अगर बात की जाए तो बोमेक्स बुरिनेक्स नाम से इसके मार्केट प्रिपरेशंस अवेलेबल है। ये भी एक डायरेटिक है, रिनल फेलियर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको एडेमा में यूज कर सकते हैं, लीवर डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग जो है क्लोरथैलिडोन। क्लोरथैलिडोन जो है बेसिकली क्विनाजोलिन का डेरिवेटिव है जो कि डायरेटिक होता है। क्लोरथैलिडोन भी डायरेटिक है जो कि क्विनाजोलिन का डेरिवेटिव है। यूजिंग की अगर हम बात करें तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे यूज करते हैं, साथ ही साथ जब किसी के स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग की वजह से उसके हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस आ जाती है या लीवर फेलियर जैसी कंडीशन आती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी कंडीशंस आ जाए, या किसी को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाए, तो उस टाइम पे भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं यूरिन पास आउट कराने के लिए एज एन डायरेटिक फॉर्म में। हाई ब्लड प्रेशर जब किसी को हो जाता है तो उसके इनिशियल ट्रीटमेंट में भी हम क्लोरथैलिडोन को ड्रग को देते हैं। फॉर्मुलेशंस इसकी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो हाइग्रोटोन नाम से आती है, ऐसे ही थोलिटोन नाम से और क्लोरथैलिडेट के नाम से भी मार्केट में इसकी प्रिपरेशंस अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजथायाजाइड की। तो ये बेंजथायाजाइड ड्रग है, बेसिकली ये थायाजाइड का डेरिवेटिव है। बेंजथायाजाइड जो है एक थायाजाइड डायुरेटिक है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो व्हाइट कलर का इसका क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि जिसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, हल्की हल्की स्मेल आती है और टेस्ट इसका कड़वा यानी कि बिटर होता है। साथ ही साथ ये पानी में, क्लोरोफॉर्म में और ईथर में, यानी कि वाटर क्लोरोफॉर्म ईथर में ये इनसॉल्युबल होता है, और एल्कली सॉल्यूशंस जो होते हैं वहां पे ये सॉल्युबल आसानी से घुल जाता है। स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 238 टू 239 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो टेम्परेचर पे जाके पिघल जाता है। यूजेस की बात करें तो इसको हम एडेमा कंडीशन में यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, जैसे कि ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है जब किसी को एडेमा या हाइपरटेंशन होता है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो बेंजथायाजाइड की टैबलेट्स आती हैं, और अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो मेराजिड नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ऐसे ही डायहाइड्रेक्स नाम से भी अवेलेबल है, डायसेक्स नाम से और यूरिस नाम से मार्केट में इसके ड्रग्स अवेलेबल है, इस ब्रांड नेम के नाम से ये जाने जाते हैं। अब बात करते हैं मेट्रोलाजोन।
मेटालजोन जो है बेसिकली एक थायासाइड डायुरेटिक्स है जो कि वाटर पिल होती है। अगर मैं बात करूं उसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज ये कहती है वाटर के अंदर स्पारेंजली सॉल्युबल है, यानी कि थोड़ा बहुत भाग इसका डिसॉल्व हो पाता है। और अगर हम बात करें कि और ज्यादा किसमें सॉल्युबल है, ये एल्कली सॉल्यूशंस में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें आसानी से घुल जाता है। मेल्टिंग पॉइंट है 260 डिग्री सेल्सियस, 260 डिग्री पे जाती है पिघलना स्टार्ट होता है अगर तापमान इतना हो जाए। यूजेस की हम बात करें तो बेसिकली जब स्वेलिंग हो जाती है या जब फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर या किडनी डिजीज जैसी किसी भी एक इंसान को ये दिक्कतें होने लगती हैं, तो उसको रिड्यूस करता है, जो स्वेलिंग होती है और जो फ्लूइड रिटेंशन होता है उसको कम करती है ये ड्रग मेटालजोन। साथ ही साथ इसको हम अकेले या कॉम्बिनेशन में भी इस ड्रग को यूज कर सकते हैं जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन हो जाती है। अगर बात करें इसके फॉर्मुलेशन की, तो मार्केट में इसकी टैबलेट्स अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में आती है। अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो जाइटेनिक्स नाम से अवेलेबल है, ऐसे ही मिटोज नाम से अवेलेबल है, सोरोप्सोलिन और मिक्रॉक्स के नाम से मार्केट में इसकी ड्रग्स अवेलेबल है, इस नाम से ये ब्रांड नेम्स में आते हैं। अब बात करते हैं जिपामाइड की। जिपामाइड जो है बेसिकली एक सल्फोनामाइड डायुरेटिक ड्रग है। यूजेस की बात करें तो इसको हम कार्डियक एडेमा में यूज करते हैं जब कि हमें कोई डीकम्पेंसेशन हो जाता है हार्ट फेलियर का, जब दिक्कत होती है हमारे हार्ट में। साथ ही साथ इसको हम रीनल एडेमा में यूज कर सकते हैं, क्रॉनिक रीनल डिजीज में यूज कर सकते हैं जो कि एनोरिया के साथ नहीं होता है। नेक्स्ट इसको हम हेपेटिक एडेमा में यूज कर सकते हैं जो कि सिरोसिस की वजह से हमें ये हेपेटिक एडेमा हो जाता है। अगर हम बात करें इसके लिम्फो एडेमा की, तो लिम्फो एडेमा में भी इस ड्रग को हम यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में भी इसको यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ, इसके जो क्रॉनिक रीनल की ड्रग्स होती है उसके कंबाइन कॉम्बिनेशन में हम इसको दे सकते हैं। फॉर्मुलेशन की बात करें तो मार्केट में इसकी टैबलेट आती है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम बात करें इसके ब्रांड नेम्स की, तो एक्वाफोर नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इसी तरीके से एक्वाफोरिल और सिपामिटैब के नाम से भी मार्केट में इसके ब्रांड नेम्स अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं स्पायरोनोलैक्टोन। स्पायरोनोलैक्टोन जो है बेसिकली एक एंटी हार्मोन डायुरेटिक है, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये माइल्ड डायुरेटिक ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं कब, इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है जो भी हमारे एक एफिकेशियस डायुरेटिक्स होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी में इसको दिया जाता है। साथ ही साथ ये सेरोटिक कंडीशन में और नेफ्रोटिक एडेमा जब हो जाता है, पानी जब हमारे जो भी टिश्यूज है बॉडी के वहां पानी जब भरने लगता है उस कंडीशन में हम स्पायरोनोलैक्टोन ड्रग को दे सकते हैं। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो कैप्सूल्स और जो टैबलेट्स होते हैं इस फॉर्म में ये अवेलेबल है, यानी कि इस ड्रग के कैप्सूल्स और टैबलेट्स आते हैं, ब्रांड नेम्स इसका एल्डेक्टोन के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर डायुरेटिक, कि डायुरेटिक्स क्या होते हैं और उसकी जो ड्रग्स हैं जो हमने अभी जिनके डिटेलिंग पढ़ी थी उनके यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं, ब्रांड नेम्स क्या क्या होते हैं और फॉर्मुलेशंस क्या क्या होती है, उनके बारे में हमने डिटेल में जाना। होपफुली आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा डायुरेटिक्स के बारे में। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।